राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को आरंभ करने से पहले एक बात आपको बता देता हूं, ये कोई मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। ये जो वीडियो है ये मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि ये एक चैनलिंग है, एक मैसेज है जो चैनल हुआ मुझे। और ये चैनलिंग होने में मुझे बड़ा समय लगा, क्योंकि जब भी अगर आप चैनलिंग का अर्थ समझते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि कुछ थॉट्स क्रिएट होती हैं, डाउनलोडिंग होती हैं, लेकिन वो एक पजल के फॉर्म में होती हैं। फिर आपको रिजॉल्व करना पड़ता है उस पजल को और फिर वो पूर्ण होती है। तो मेरी जो चैनलिंग है वो बड़ी अजीब है, लेकिन जब मैंने इसको रिजॉल्व किया तो एक उत्तर आया, और वही मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मुझे एक दृश्य दिखाया गया, और ये कुछ ऐसा दृश्य था जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं एक जगह पर। कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता। और उनके सामने कुछ लोग बैठे हैं जो उनको बता रहे हैं। बड़ी शांति है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है और कोई कुछ देख नहीं पा रहा है। और उसमें से एक व्यक्ति विशेष वो अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहा है, और जब वो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाता है तो फिर वो जो लोग हैं उनकी सबकी आंखें खुलती है, और उस अंधेरे में भी वो कुछ ऐसा देखते हैं जो वो उस रोशनी में देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो मंच के सामने था वो कुछ और था और जो मंच के पीछे था वो कुछ और था। इसका अर्थ ये एक चैनल्ड मैसेज था। अब इसका अर्थ मैंने निकाला, इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ मुझे ये समझ में आया कि आने वाले समय में, बड़े निकट समय में, टाइम फ्रेम मुझे नहीं पता है, लेकिन आने वाले कुछ समय में कुछ ऐसी घटना घटित हो सकती है जो रिलीजियस स्कैंडल की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगा। और ये जो रिलीजियस स्कैंडल होगा या स्कैम होगा या जो भी कुछ होगा, क्योंकि ये पर्दे के पीछे था, वो अब पर्दे के सामने आएगा, वो पर्दे के सामने आएगा। लेकिन इसे पर्दे के सामने लाने के लिए, जैसे मैंने कहा उस चैनल मैसेज में, एक व्यक्ति विशेष था जो उस अंधेरे से निकला रोशनी की तरफ और फिर उसने सबको रोशन किया। तो इसमें किसी की खास भूमिका हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर उस आत्मा को, वो जो भी है, एक है, दो है, तीन है, कितने है, मुझे नहीं पता, उनको वो शक्ति देगा, वो मार्गदर्शन देगा कि तुम इस सत्य को इस दुनिया के सामने लेके आओ। तो शायद निकट भविष्य में हम कुछ ऐसा देख सकते हैं, ऐसा सुन सकते हैं जो शायद हमारे रोंगटे खड़े कर दे, जो अकल्पनीय हो, जो कभी हमने सोचा नहीं हो। क्योंकि ये जो चैनल मैसेज है वो काफी स्ट्रांगली आया, और जब मैं कहता हूं ये काफी स्ट्रांगली आया तो इसकी इंटेंसिटी से आप जुड़िएगा। ये बहुत इंटेंस मैसेज है, ये कुछ ऐसा है जो जब घटित होगा तो हम यकीन नहीं कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वो अधर्म का अंधेरा है उसे धर्म की रोशनी से प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई मशाल अंधेरे में नहीं जलेगी तब तक वो अंधेरा कायम रहेगा।
और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे आभास होता है कि वो मशाल किसी के अंदर जल रही है जो उस अंधेरे को रोशन करने वाली है। इसका अर्थ ये है कि जो मुझे आभास हो रहा है वो निकट भविष्य में कुछ इस तरह से घटित होगा जिसमें हमें ये ज्ञात होगा कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक भ्रम है, वो एक छलावा है, और जब सत्य हमारे सामने आएगा तो हमें लगेगा कि ये असत्य की दुनिया क्या है, ये अधर्म की दुनिया क्या है, यहां के लोग क्या हैं। एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, लेकिन जब ये कहावत इस कलयुग पर हम फिट करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है जो तुम देख रहे हो वो दिखावा है और जो छुपा हुआ है वही सत्य है। तो आने वाले समय में ये जो धर्म की शक्ति है वो उस अधर्म के पर्दे को हटाने वाली है और कुछ ऐसा मंजर ये दुनिया देखने वाली है जिसको देखने के बाद हमारे सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। Krishna, Krishna.